हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महारथी कर्ण के पास एक एरोप्लेन था? हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। दोस्तों, सनातन संस्कृति और परंपरा जितना पुराना है, इसको समझना भी उतना मुश्किल है। हजारों साल पहले हमारा यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक उन्नत सभ्यता रहा है, जैसे कि आयुर्वेदिक हो या मशीनरी आविष्कार के विषय में। हजारों साल पहले हमारा मुनि ऋषि ये सबको हासिल कर चुके हैं। हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन हमारे सरकार इसके प्रति रुचि नहीं दिखाती और वेस्टर्न इन्वेंशन को सर्वप्रथम मान्यता देती है। दोस्तों, लाखों साल पहले रावण के पुष्पक विमान के बारे में भला कौन नहीं जानता? ये पुष्पक विमान मन की गति में पूरे ब्रह्मांड में परिभ्रमण करने की क्षमता रखता था। दोस्तों, ऐसा एक विमान के बारे में महाभारत में भी वर्णित है। दरअसल पितामह भीष्म के कहने पर सूत समाज के युवाओं को सारथी होने का ट्रेनिंग दी जाती थी। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र एक महान सारथी बने। फिर उन सभी को टेस्ट की जाती थी और जो भी उसमें सक्सेस होते थे, उसको हस्तिनापुर राज्यसभा में किसी एक योद्धा का सारथी बनने का सुयोग मिलता था। दोस्तों, कर्ण को गुरुकुल में सारथी का शिक्षा दी जाती है और 2 वर्ष पश्चात उसकी परीक्षा का समय आता है। तब महामहिम भीष्म और दुशासन भी वहीं उपस्थित थे। दोस्तों, उस समय आकाश मार्ग से कर्ण अपनी वायुयान में आता है। इसको देखकर वहीं उपस्थित हर कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कर्ण के लैंडिंग के पश्चात दुशासन क्रोधित हो जाता है। सूत पुत्र विमान में उड़ने का साहस भी कैसे कर सकता है? पितामह भीष्म के सम्मुख कर्ण के ऐसे मूर्खामी के कारण उसको मृत्युदंड देने का आदेश देता है। इसका मस्तक काट दो सैनिक। बाकी महारथी कर्ण के सम्मुख दुशासन के सैनिकों की पराक्रम काम नहीं आता। दोस्तों, यहीं पर पितामह भीष्म वायुयान के बारे में कर्ण को पूछते। कर्ण, वायु वाहन बनाने का ज्ञान तुमने कहां से प्राप्त किया? कर्ण बताता है कि अगस्त संहिता में उसका वर्णन है। अगस्त संहिता में इसका वर्णन है महामहिम। दोस्तों, यही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पूरे घटना सूर्यपुत्र कर्ण सीरियल के एपिसोड नंबर 39 में उल्लेख है। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है। जब हजारों साल पहले हमारा यहाँ वायुयान का आविष्कार हो चुका है, तब क्या हम वेस्टर्न इन्वेंशन को इसकी श्रेष्ठता देना सही है? आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? दोस्तों, इसके जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना और ऐसे रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।